इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं फ्रेंड्स कि अगर आपको अपने वन प्लस नोट से 3 लाइट 5G मोबाइल में एक सेटिंग मिला है फ्लेक्सिबल विंडोज का, तो दोस्तों ये सेटिंग्स क्या होता है और आप इसको कैसे इनेबल करके इसका यूज कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिएगा। सो ये सेटिंग्स कैसे और कहां पर मिलता है, इसके लिए वन प्लस नोट सी 3 लाइट 5G मोबाइल फोन की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाकर नीचे आना है, नीचे स्पेशल फीचर का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें फ्लेक्सिबल विंडोज का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करिए। अब दोस्तों देखिए, इसमें आपको कुछ भी ऑन करने का जरूरत नहीं है, लेकिन शेयर बाय फ्लोटिंग विंडोज इसको ऑन रखेंगे तो आप जो है किसी ऐप का फ्लोटिंग विंडोज के जरिए आप अपना ऐप या कुछ भी चीज़ शेयर कर सकते हैं कॉन्टेंट। अब देखिए इसका यूज कैसे किया जाता है, तो दोस्तों देखिए इस सेटिंग्स का आप यूज कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कोने में यहाँ साइड में देखिए एक बटन मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए इस सेटिंग्स का यूज कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल फोन के साइड से मतलब यहाँ से इस तरीके से लेफ्ट की ओर स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने ऐप्स को यूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप इसका फ्लोटिंग विंडोज करके आप इसका यूज कर सकते हैं। देखिए किसी भी ऐप पर क्लिक करेंगे तो इसका एक छोटा सा स्क्रीन यहाँ पर बन जाएगा और आपके मेन स्क्रीन के बीच में आपका ये ऐप का स्क्रीन चलेगा फ्लोटिंग विंडोज के रूप में। और दोस्तों इसी तरीके से देखिए अगर आपको किसी दूसरे ऐप के स्क्रीन पर कोई दूसरा ऐप भी चलाना है तो सबसे पहले उस ऐप को ओपन कर लीजिए। जैसे देखिए मैंने YouTube को ओपन कर लिया। अब मान लीजिए हमें YouTube के ऊपर ही किसी और ऐप को चलाना है तो यहाँ से हम देखिए लेफ्ट की ओर करेंगे स्वाइप, तो यहाँ पर मान लीजिए हमें Gmail को चलाना है YouTube स्क्रीन के ऊपर, तो Gmail पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं Gmail जो है फ्लोटिंग के रूप में इस ऐप के ऊपर चल रहा है। तो इस तरीके से आप इसका यूज दोस्तों कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए अगर आप दोस्तों किसी ऐप को दोस्तों खोलकर जब आप उसे बैकग्राउंड में कर देंगे इस तरीके से, तो ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो फ्लोटिंग विंडोज इसमें वो मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस ऐप का फ्लोटिंग विंडोज कोने में यहाँ पर छोटा सा आ जाएगा और आप इसको जहाँ पर चाहे तो रखकर वहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप इस सेटिंग्स को यूज कर सकते हैं अपने वन प्लस नॉर्ड CE 3 Lite 5G के मोबाइल में। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।